भारत में लड़का और लड़की की उम्र शादी की 21 साल तथा 18 साल निर्धारित है, परंतु राजस्थान में आज भी कई समाजों में बाल विवाह प्रथा कायम है, जहां आज भी नीची जाति के लोग बाल विवाह करवाने के लिए मजबूर है। बच्चों का बाल विवाह जो कराते हैं लोग बाग बिल समाज में, कि जैसे कि बड़े बच्चे की शादी करवाते हैं तो होती है, तो उसके छोटी बहन होती है या बहन होती है या बच्चा होता है, तो वो सोचता है कि एक बड़े बच्चे की शादी के शादी में छोटे बच्चे की शादी साथ में हो जाए तो मेरा मतलब पैसा इतना ऊपर नहीं होगा, और जो इतना ज़्यादा वो अलग अलग शादी कर नहीं पाता, इतना पैसा उनके पास धन होता नहीं है। सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई हुई लेकिन उनका पूरा फायदा नीचे लेवल तक नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको जैसे बोलते हैं कि 10,000 रुपये लड़की के लिए मिलेंगे शादी के लिए या ये वो, तो पंचायत के चक्कर काटना, पंचायत समितियों के चक्कर काटना, इसमें इंसान इतना परेशान हो जाता है कि वो ये कर ही नहीं पाता है कि हम ये फायदा उठा सके। सबसे बड़ा शिक्षा का अभाव होने के कारण यह बाल विवाह गाँव में ज्यादा होते बनिस्पत की सिटियों के शहरों के लोगों को, लोग बस यही सोचते हैं कि शादी हो गई और हमारी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई, और सिटियों में लड़कियों को पढ़ाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, लड़का भी लड़की के समान पढ़ेगा और उसकी उसकी वो अपनी समझ खुद पैदा करेगी। मैंने सुना है कि आपकी भी बाल विवाह में कम उम्र में शादी हुई है, किस तरह आप इस लेवल तक पहुंची है अभी शादी होने के बावजूद भी आपकी? आज कोई लड़की की बाल विवाह होता है तो मुझे सबसे पहले अपनी कहानी याद आती है कि मैंने कितने संघर्षों से मैंने इस जीवन को अपने आप को उभारा है। यह एक अभिशाप तो है ही है दुनिया वालों के लिए, लेकिन मेरे लिए कितना अभिशाप हुआ, मुझे आज भी मुझे इस चीज़ की कमी होती है कि मेरे बाबा मुझे और आगे पढ़ाते और अगर मेरी शादी नहीं होती तो आज मैं अच्छे मुकाम पर होती। आज इस साल जो आखा तीज पर जो लगन होने वाला उसके पहले सरकार ने एक नियम निकाला है कि आप अपनी लड़की की जन्म पत्री साथ लगाएं, उसके बाद ही आप उसका इसकी शादी कर सकते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि इस कारण से बाल विवाह अब नहीं होंगे क्योंकि एक पकड़ हो जाएगी। बाल विवाह के कारण स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी समस्याएं समाज के सामने आती हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि बाल और महिला बाल विकास अधिकारी को कॉल कर इस प्रथा का विरोध करें और बाल विवाह पर पाबंदी लगवाएं। मैं शंभू राजतवर देलवड़ा से इंडिया अनहर्ड के लिए।